चलिए सबसे पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर पढ़ने होंगे। करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स और इंपॉर्टेंट डेट्स और करंट हैपनिंग्स को देखना है। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम बात करें तो फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को आपको पढ़ने होंगे। इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करें और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो बेसिक फीचर्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपको पढ़ने होंगे। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिकल प्लानिंग, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और करंट इकोनॉमिकल सिनेरियो को देखना होगा। हिस्ट्री और कल्चर को हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हो गए इंडियन हिस्ट्री के और कल्चर हेरिटेज के, उसको देखने होंगे। और इन्वायरमेंटल इश्यू के बारे में बात करें तो बेसिक इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। स्पोर्ट्स में आपको इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स और अचीवमेंट्स को आपको देखने होंगे। अब यदि हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस के बारे में तो जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इस तीनों से आपको देखने होंगे। बिल्कुल बेसिक से देखे होंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे मैकेनिक्स के, उसको देखने होंगे, हीट के, लाइट के, साउंड के और इलेक्ट्रिसिटी के, साथ में मैग्नेटिज्म के भी। केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और साथ में केमिकल रिएक्शंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको देख के जाने होंगे। और पीरियोडिक टेबल भी मस्ट है, उसको अच्छे तरीके से आप उसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, मास कितने हैं, तो इन सब चीज को अच्छे से आप देख के जाओगे। बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, ये आपको देखने होंगे। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी यानी जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है उसके बारे में, तो उसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन देखने ह्यूमन बॉडी सिस्टम के। क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैथोलॉजी, डिजीज एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक के बारे में आपको पढ़ने होंगे। हेमेटोलॉजी के बारे में बात करें तो ब्लड कंपोजिशन, ब्लड डिसऑर्डर्स, लेबोरेटरी टेक्निक्स फॉर ब्लड एनालिसिस। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करें तो माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टरलाइजेशन टेक्निक एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ये आपको पढ़ने होंगे। अब यदि हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिक बायोकेमिकल प्रिंसिपल, एंजाइम, मेटाबॉलिक पैथवे एंड लेबोरेटरी टेक्निक्स, इसको आपको पढ़ने होंगे। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल, लेबोरेटरी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, इसको आपको देखने होंगे। और यदि हम बात कर लेते हैं इम्यूनोलॉजी के बारे में तो इम्यून सिस्टम्स, कंपोनेंट, इम्यून रिस्पॉन्स एंड इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक, ये आपको देखने होंगे। अब यदि हम हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में बात करें तो टिश्यू प्रोसेसिंग, स्टेनिंग टेक्निक एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये आपको अच्छे से देख के जाना है। अब यदि हम साइटोलॉजी के बारे में बात करें तो साइटोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेलुलर एबनॉर्मलिटीज एंड साइटोलॉजिकल टेक्निक्स, ये आपको देखने हैं। अब यदि हमारा लास्ट जो सीरोलॉजी है उसके बारे में हम बात करें तो सीरोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट, टाइप्स ऑफ सीरोलॉजिकल रिएक्शन एंड एप्लीकेशंस, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्रोफेशनल एबिलिटी के बारे में। अब यदि हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक के बारे में तो अरिथमेटिक के अंदर आपको नंबर सिस्टम में होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, इसको देखने होंगे। अलजेब्रा के बारे में बात करें तो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड लीनियर इक्वेशन, ये आपको देख के जाने होंगे, इसके आप लगातार अभ्यास करते रहें। ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। और ट्रिकोमेट्री के बारे में बात करें तो बेसिक ट्रिकोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ये आपको देखने होंगे। और स्टैटिक्स के बारे में बात करें तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियम, मोड एंड मेजर ऑफ dispersions, range, variation, standard deviation and data interpretation, ये आपको देखने होंगे। अब लास्ट हम मेंसुरेशन के बारे में बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड पैरामीटर ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये आपको देखने होंगे। चलिए अब जो आखिरी है ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन मतलब आते हैं। इसके सिलेबस में एनालॉगीज जो होते हैं उसको आपको देखने होंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, इसको भी देखने होंगे, काफी बार आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस भी किया होगा। क्लासिफिकेशन जिसे ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एंड वर्ड बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टीज, इसको आपको करना होगा, काफी आसान सा होता है। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस के सीरीज में फाइंडिंग द नेक्स्ट टर्म, सीक्वेंस ऑफ नंबर या लेटर्स। सैलरिज्म में Logical reasoning to deduce conclusion from given statements. वेन डायग्राम भी काफी बार पूछा जाता है, तो वेन डायग्राम में सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग वेन डायग्राम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम. ब्लड रिलेशन से भी काफी आपको वहां पर रीजनिंग देखने के लिए मिलेंगे. तो अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फैमिली रिलेशन. डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें तो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा फ्रॉम टेबल, चार्ट एंड ग्राफ. ठीक है. डायरेक्शन सीन के बारे में बात करें तो डिटरमाइन डायरेक्शन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन. ठीक है, ऐसे रहेंगे. और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करें तो सॉल्विंग लॉजिकल पजल एंड प्रॉब्लम्स. ठीक है. एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा आपके मार्क्स होंगे वो आपके प्रोफेशनल जो है ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे उससे ज्यादा मार्क्स रहेंगे. तो सबसे ज्यादा आपको फोकस उसके ऊपर करना है. यदि आपको सिलेक्शन पक्का करना है तो सबसे ज्यादा फोकस जो है आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट के ऊपर आपको करनी होगी. ठीक है. यानी 70 मार्क्स आपको आउट ऑफ 100 आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, तो आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं. तो बाद बाकी जो है वो आपको 10-10 मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं. तो आपका ज्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए, तो आपका ज्यादा फोकस जो है वो जो हमारा प्रोफेशनल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं उसके सिलेबस को आप पहले पूरी तरह से कंप्लीट करें. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं.